बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थ्योरम 11 शुरू करते हैं। ये पेज 164 पे है। थ्योरम में कहते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम हो जिसे आप मतवाजी अज़ला भी कहते हैं और इंग्लिश में पैरेललोग्राम, तो कह रहे हैं कि इसमें, बल्कि नाम दे लेते हैं पहले से, ए बी सी डी। इसमें तीन चीज़ें, पहली चीज़ भी ये कहते हैं कि इसके जो अपोजिट साइड्स, इनके मुखालिफ अज़ला हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं इसमें कि इसके जो अपोज़िट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो वितर होते हैं, ये एक दूसरे की तसनीफ करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये है उनका वो पॉइंट जिस पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। तो इसमें जो हमें गिवन है ना, वो ये है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है जी। उसके अंदर, अच्छा, पैरेललोग्राम में आपको ये पता होता है कि पैरेलल हैं चीज़ें, तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के, इसी तरह बी सी साइड पैरेलल है ए डी के, ठीक है। और हमें तीसरी चीज़ ये पता है कि इसके जो डायगनल्स हैं वो क्या हैं, ए सी एंड बी डी कट एट ओ, कि वो एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, ठीक है। हमें जो चीज़ प्रूव करनी है ना, वो तीन चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि ए डी ये कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, यानी कि ए डी की लेंथ इस लेंथ के कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसी तरह ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ये ए बी और ये डी सी ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। अच्छा, ये हो गई चीज़ें जो कि लेंथ से मुतल्लिक है। दूसरी चीज़ें जो हमें प्रूफ करनी है, वो ये प्रूफ करनी है कि एंगल, ये वाला एंगल ए जिसे हम कहेंगे डी ए बी या बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट क्या आता है, बी सी डी। और फिर ये वाला एंगल ए डी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के ए बी सी के। और तीसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है कि डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ के ये जो लेंथ है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, और डी ओ जो लेंथ है ये कॉन्ग्रुएंट है बी ओ के या ओ बी के। ये हमें चीज़ें है, तीन तरह की मुख्तलिफ चीज़ें प्रूव करनी है। हम पहले हम साइड्स को लेते हैं, ये वाली जो पहली चीज़ है, तो देखिए आपके पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं। एक मैं ये ग्रीन वाली ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, और एक आपके पास ये ट्रायंगल जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ए डी बी ट्रायंगल को बी सी डी ट्रायंगल्स से कंपेयर करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, मतमासिल प्रूफ कर दें, तो ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब एंगल्स के नाम दे लेते हैं जो एंगल्स हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बुक में इसको उन्होंने वन का, इसको उन्होंने टू का,
इस एंगल को 3 का, इसको 4 का, इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6 का। तो जी ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी को कंपेयर करते हैं ट्रायंगल बी सी डी से। अब बी सी डी येलो से है तो मैं इसको ज़रा येलो सा सर्कल सा एक लगा देता हूँ ताकि ज़रा याद आनी रहे। आप देखें इस ट्रायंगल का ग्रीन का एंगल 2 अगर एंगल 3 के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर हमें हेल्प मिलेगी इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। अब एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, उसकी वजह यह है कि डी सी लाइन ए बी के पैरेलल है और इमेजिन करें कि डी बी लाइन उसको कट कर रही है, तो फिर ये वाला एंगल 2 और एंगल 3 क्या बन जाते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाते हैं जिन्हें मुतबादला जाविये कहते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, क्यों कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यानी कि मुतबादला जाविये हैं। मुतबादला इसलिए कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है और ये लाइन इनको कट कर रही है, तो फिर ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं। फिर देखें डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी बी के, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और फिर एंगल 1 4 के कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। तो देखें आप क्या कर रहे हैं कि ये एंगल ये साइड और ये एंगल एंगल साइड एंगल कर रहे हैं कि एक ये एंगल हो गया एक इस ट्रायंगल का ग्रीन वाली का, ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई और फिर एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 4 के क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं मुतबादला। जब ये चीज़ें होगी तो इससे साबित हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के क्योंकि एंगल इंक्लूडेड साइड और एंगल। जब ये साबित हो गया तो फिर आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी डी सी के, ये ए बी ये डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और इसी तरह ए डी कॉन्ग्रुएंट होगी बी सी के, इसकी भी वही रीज़न है। तीसरा आपने ये वाला जो पार्ट था ना ये वाला पहला प्रूव कर दिया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें कहते हैं कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें हम इधर से शुरू करते हैं, एंगल डी कह लें और इसको एंगल बी कह लें या ए डी सी कह लें एंगल और ए बी सी कह लें। इधर मैंने ए डी सी और ए बी ए डी सी और ए बी सी इसको पहले टैकल करते हैं। अब ए डी सी जो एंगल है किसका मजमू है, एंगल 1 का प्लस एंगल 2 का और एंगल ए बी सी एंगल 3 का और एंगल 4 का मजमू है। तो अगर हम ये साबित कर दें कि 1 प्लस 2 इक्वल है 3 प्लस 4 के तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें जनाब एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, यह प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इधर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, ये भी आप प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। आप सिंपली ऐड करें ना इसको और इसको ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2। जब आप दोनों को ऐड कर दिए तो एंगल 1 प्लस 2 क्या बनता है, एंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी के। चलो जी ये वाला पार्ट भी आपने कर दिया। आप इसी तरह एंगल आपने बी ए डी और बी सी डी करना है, बी ए डी इस एंगल को इस एंगल के प्रूफ करना है। तो जिस लॉजिक से ये किया उस लॉजिक से यही कर सकते हैं, इनके नाम दे दें 7 8 9 10 कुछ इस तरह करके, तो एग्जैक्टली यही लॉजिक होगा। तो उसके लिए आप लिख देते हैं कि सेम वे इसी तरह
एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के, तो आपका ये वाला दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। BAD और BCD ये एंगल पर्स आपको, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आप पता आपको, इसको अगर मैं 7 कहता हूँ, इसको 8 कहता हूँ, इसको 9 कहता हूँ, इसको 10 कहता हूँ, तो अब आप इमेजिन करें कि ये दो लाइनें हैं, उनको ये लाइन काट रही है, तो सेंगल 7 एंगल 8 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हैं, और 9 10 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 7 8 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, 9 10 के हो गया, तो 7 प्लस 9 किसके इक्वल होगा, 8 प्लस 10 के, तो फिर ये BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BCD के, तो आपका ये दूसरा पार्ट इस तरह हो गया जो मैंने इधर लिख दिया। अब आपका तीसरा पार्ट है जिसमें आपने ये साबित करना है कि जो लेंथ है ए ओ की। अच्छा, अब मैं ये जो ट्रायंगल्स के जो मैंने निशान लगाए थे ना, ये मैं मिटाने लगा हूँ क्योंकि अब हमें ये वाले नहीं चाहिए। हम मुझे इस चीज़ को इक्वल प्रूफ करना है, इस चीज़ को इसकी चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है, तो आप ये देखें कि ये अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ये वाली, तो इसमें ये साइड और ये साइड आ जाती है, और इसी तरह अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँ तो इसमें ये साइड और ये साइड आ जाती है। अगर हम इन ट्रायंगल्स को, ये लाइट ब्लू को और ये लेट से रेड कह लें इसे, इनको मैं साबित कर दूँ, रेड नहीं वैसे थोड़ा सा आप पर्पल सा, पर्पल नहीं ये वॉयलेट सा कलर है, अगर इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो फिर मेरी ये साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी और ये साइड इस साइड की, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतमासल ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइडें होंगी, तो ये साइड इसके और ये साइड इसके। अब इसके लिए मैं, जैसे मैंने कहा कि इन दो ट्रायंगल्स को ले रहा हूँ ब्लू को और इसको, लेकिन एक्चुअली मैं इन ट्रायंगल्स को भी ले सकता हूँ जिसको मैं डी ओ सी कह दूँ या ए ओ बी कह दूँ, उसको भी ले सकता हूँ, लेकिन बुक में जिस तरह उन्होंने चूज़ किया इसको और इसको, और उसकी वजह यह है कि एंगल 1 और 2 और 3 4 वगैरह ना, आप पहले से इनके बारे में बात कर चुके हैं कि वे इक्वल है, तो इस चीज़ को मे बी हम इस्तेमाल करें आगे ट्राइंगल्स को एक जैसा साबित करने के लिए, इसलिए वो इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब मैं डायग्राम यही रखना चाहता हूँ लेकिन मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यूँ करने लगा हूँ कि मैं इस हिस्से को डिलीट करने लगा हूँ क्योंकि आप ये पहले, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें जी, ट्रायंगल ए ओ डी को कंपेयर करें ट्रायंगल बी ओ सी से। अब इन ट्रायंगल्स में क्या है, देखें बी सी लेंथ ए डी के इक्वल है, ए ओ डी मुझे इसका क्या, ए डी लेंथ बी सी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मेरा मतलब। ये एक चीज़ में छोटी सी और कर दूं, इसको मैं ऐसे करके कर देता हूँ और इसको मैं ऐसे करके कर देता हूँ। अब ए डी लेंथ का मैंने बात कर दी कि वो बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ए डी बी सी के ये प्रूफ किया, ठीक है। तो आपने साबित कर दिया कि एक एंगल इक्वल है, ठीक है। आप देखें एंगल 2 जो है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड ये एंगल लिया और इसका ये एंगल, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और एंगल 5 6 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल्स एंगल है, राशिज़ आ भी हैं, ठीक है, राशि। तो इससे क्या साबित हुआ कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडें कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि डी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ओ बी के और ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा
OC के, क्योंकि आपका इनकी रीज़न क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कि मुतमासल मुसलसों के मुतनाजरा इजला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इस तरह आपने इसको भी प्रूफ कर दिया। तो ये आपने पूरा का पूरा थ्योरम प्रूफ कर दिया। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.11 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।